लॉकडाउन के दौरान भूखे प्यासे दिहाड़ी मजदूर बड़ी संख्या में घर लौट रहे हैं। मजदूरों के सफर में सबसे अधिक भोजन और पानी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। लिहाजा इनकी मदद के लिए बाघ नदी बॉर्डर पर नक्सल मोर्चे में तैनात ITBP की 38वीं वाहिनी ने हाथ बढ़ाया है। ITBP के उदार चेहरे ने मजदूरों की जहां थकान को दूर किया है, वहीं ITBP भी इस कठिन दौर में मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सामाजिक जवाबदारी निभा रहा है। मजदूरों की सुध लेते हुए ITBP की ओर से भोजन पानी के साथ साथ दवाई भी बॉर्डर से गुजरने वाले मजदूरों को दी जा रही है। सिविक एक्शन प्लान के तहत 38वीं वाहिनी की ओर से भोजन के पैकेट के साथ साथ मठा भी मजदूरों को दिया जा रहा है। ITBP की ओर से मजदूरों को बॉर्डर में प्रवेश करते ही भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा शारीरिक परेशानी से त्रस्त मजदूरों को चिकित्सकों की सलाह के बाद दवाइयां भी दी जा रही हैं। इस संबंध में डिप्टी कमांडेंट रंजन कुमार ने कहा कि कमांडेंट नरेंद्र सिंह के दिशा निर्देश पर सिविक एक्शन प्लान के तहत मजदूरों को मदद की जा रही है। ITBP सामाजिक सरोकार से जुड़ते हुए यह प्रयास कर रहा है। इधर बाघ नदी बॉर्डर में ITBP की ओर से मजदूरों को सूखे खाद्य पदार्थ भी दिए जा रहे हैं। हमारे सेनानी श्री नरेंद्र सिंह 38 बटालियन, उनके मार्गदर्शन के द्वारा, उनके सहयोग के द्वारा किया जा रहा है। ये अभी हम लोग ये 5000 पैकेट बनाए हैं, ये लगातार 3-4 दिन तक चलेगा ये कार्यक्रम, और बाकी जो सेनानी के निर्देश है उस पर काम किया जाएगा। मजदूरों की तकलीफ को दूर करने की कोशिश में जुटे ITBP के आला अधिकारियों और अन्य जवान हर संभव मजदूरों की दशा को सुधारने में मदद कर रहे हैं। ITBP के इस प्रयास की जमकर सराहना हो रही है। देश टीवी के लिए राजनांदगांव से प्रदीप मिश्राम की रिपोर्ट।